बात बिल्कुल साफ है, हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है और हमारे भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ और जितनी भी इनकी संगठन है जो आपके संघ परिवार के अंदर आते हैं, उनके साथ हमारे वैचारिक सिद्धांतिक मतभेद है, क्योंकि उनकी विचारधारा जो देश के लिए है और जो कांग्रेस पार्टी की और हमारी विचारधारा देश के लिए है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हमने हमेशा उस सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया है जिन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी है, प्रदेश को बांटने की कोशिश करी है और हमेशा करते रहेंगे। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से ये बात कहना चाहता हूं और इसको हमने सिर्फ कहिया नहीं है, सिर्फ कहा नहीं है, इसको हमने करके भी दिखाया है। चाहे वो विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में भाजपा को घेरने की बात हो, पूरे मुद्दों के साथ हमने घेरा, चुनावों के समय में घेरने की बात हो, पूरे आंकड़ों के साथ उनको घेरा। और उस समय भी मैंने ये बात कही थी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और हम एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, हमारा ये दायित्व है कि हम हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बचा कर रखें, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बना कर रखें और यही सीख हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। मैंने उसमें जो हमारी तत्कालीन सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल में लेकर आया उसका भी उदाहरण दिया है जो रिकॉर्ड पे है, और उसके साथ साथ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने ही 1989 में जो है वो रामलला के मंदिर का जो उसमें ताले तोड़कर मंदिर को खोलने का निर्णय उन्होंने उस समय लिया था। इसलिए हमको भाजपा से या आरएसएस से या किसी भी संघ परिवार के और किसी संस्थान से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने हिंदू हैं और कितने हिंदू नहीं हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, हमारी पार्टी की जो डायरेक्शंस होगी वो हमारे लिए मान्य है, मगर हमारी पार्टी की हाईकमांड का बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने किसी को मना नहीं किया है कि आप जाइए या आप ना जाइए, उन्होंने अपनी बात रखी है, राजनीतिक रूप से रखी है, एक सोच के साथ रखी है, हम उसका मान सम्मान करते हैं, मगर हम जाएंगे जब जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी दिन जाना है, उन्होंने ये कहा है आप जब भी जाना चाहते हैं, सब स्वतंत्र है, क्योंकि धर्म का राजनीति के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। इसलिए हम जाएंगे भी, जब भी जाना होगा हम जाएंगे, और राम मंदिर ही नहीं, हम और भी जितने भी मंदिर देश के अंदर है, चाहे वो आपका उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, चाहे महाकाल मंदिर इंदौर के अंदर है, चाहे तिरुपति का बालाजी मंदिर है, चाहे द्वारका मंदिर गुजरात में है, हर जगह हम समय समय पर जाते भी आए हैं, पहले भी जाते आए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर हमारे लिए, सभी हिंदुओं के लिए, देश के लिए एक गर्व का पल है और इसे किसी राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या जितने भी संघ परिवार के सोच है, उस सोच से हम बिल्कुल भी उसके साथ मेल नहीं खाते हैं, मगर फिर भी हम हिंदू हैं और हमारी उतनी ही आस्था राम भगवान में है जितनी किसी और की है। इसलिए एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, जब भी हमें मौका लगेगा हम निश्चित तौर से राम लल्ला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या समय रहते हुए जाएंगे। तो मैं उस दिन कैबिनेट मीटिंग में नहीं था इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा, जो कंसर्न मिनिस्टर है आप उनसे इस विषय के ऊपर बात करें, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो वो बेहतर रहेगा।